साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को आज गुजरांवाला की एंटी करप्शन अदालत में पेश किया जाएगा। सेशन कोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे राना जाहिद इकबाल से। जी जाहिद इकबाल, बताएगा किस वक्त पेश किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और अब आप सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम देख रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के बाद उनको चंद देर बाद जो थोड़ी देर बाद जो है एंटी करप्शन अकाम की जनब से जिस्मानी रिमांड के लिए जो है वो सेशन कोर्ट की अदालत में जो है वो सिविल जज जो है उनकी अदालत में पेश किया जाएगा, जहाँ पर उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी एंटी करप्शन अकाम की जनब से। तो दूसरी जनब गुजरांवाला पुलिस की जनब से सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सेशन कोर्ट के आने और जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी है, जबकि अदालत की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं वहां पर भी पुलिस के भारी जो नफरी है वो तैनात है। जबकि इस दौरान जो है हाथा अदालत से तर्जमान चौधरी परवेज लाई चौधरी इकबाल को जो है वो गुजरांवाला पुलिस की जनब से हिरासत में लिया, जबकि दूसरी जनब जो है रविवार रात जब चौधरी परवेज लाई को लाहौर से गुजरांवाला मुंतकिल किया गया था, तो इस दौरान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है ख्वाजा वकार उनकी जनब से जो है वो फूलों की पत्तियां निशावर की गई थी। तो आज जैसे ही ख्वाजा वकार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो अहाता अदालत में दाखिल होता है पुलिस की जनब से उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। इस हवाले से अभी तक जो ताजा तरीके इतलात हैं कि यहाँ पर सेशन कोर्ट के आते में जहाँ सीनियर सिविल जज की अदालत है, जहाँ पर आज चौधरी परवेज लाई को जो है वो एंटी करप्शन अकाम की जनब से जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाना है, तो वहाँ पर गुजरांवाला पुलिस की जनब से सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किया गया। किसी भी गैर मुतलका शख्स को अदालत की जानब जाने की बिल्कुल इजाजत। ठीक है, सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद इकबाल राना, अपडेट कर रहे थे।